जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन प्रॉब्लम को। और आपको पता है कि फॉर्मुलेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। आपने गिवन सिचुएशन को स्टडी करना है, फिर डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, और सेकंड स्टेप में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना होता है, थर्ड में कंस्ट्रेंट्स, और लास्ट पे नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। तो ये 4 स्टेप्स हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम है और स्टेप इस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टडी द प्रॉब्लम। आपने गिवन सिचुएशन को स्टडी करना है, तो इसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। तो एक कंपनी है जिसके पास 2 मशीन्स हैं, एक्स एंड वाई। मशीन एक्स इज डिजाइन टू मैन्युफैक्चर 5 ounce बॉटल्स एंड मशीन वाई टू मैन्युफैक्चर 10 ounce बॉटल्स। तो आप कह सकते हो कि वो जो एक्स मशीन है वो स्पेशली डिजाइन हुई है 5 ounce बॉटल्स की कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और मशीन वाई आपकी स्पेशली डिजाइन हुई है 10 ounce बॉटल्स के लिए। अब ये 5 ounce बॉटल अगर देखा जाए तो ये एक साइज होता है। किसी को पता है आउंस भी एक साइज होता है? कोई स्टूडेंट है जो बता सकेगा? यस सर, जी सर पता है। आउंस असल में ऐसी समझ ले जैसे एक एम्प्टी बॉटल है और उसका साइज 5 ounce है। जिस तरह हम लेते हैं ना कोक और पेप्सी, पर हम कहते हैं 1/2 liter और 1 liter, सेम उसी तरह ये साइज है। जैसे बच्चों का फीडर बनाते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत स्मॉल साइज होता है। तो 5 ounce और 10 ounce आप कह सकते हैं कि एक छोटी बॉटल है जिसके अंदर जो लिक्विड आएगा वो 5 ounce आएगा, तो 5 ounce बॉटल उसको नाम देंगे। और दूसरी वाई मशीन जो मैन्युफैक्चर कर रही है 10 ounce बॉटल, यानी उससे ऐसे कि कोक उनका यूनिट होता है जो 1/2 liter एम्प्टी बॉटल्स और 1 liter और 1.5 liter एम्प्टी बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करना करता है उनका एक यूनिट। तो सेम उसी तरह है कि एक कंपनी है जिसके पास 2 मशीन्स हैं एक्स एंड वाई, और एक्स मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है 5 ounce बॉटल्स को और वाई मशीन 10 ounce बॉटल्स को। हाउएवर ईच मशीन कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बोथ टाइप्स ऑफ बॉटल्स। तो दूसरा ये भी है कि हर मशीन दूसरे साइज की बॉटल्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकती है। मसलन एक्स मशीन तो स्पेशली डिजाइन हुई है 5 ounce के लिए, लेकिन वो दूसरे साइज को भी मैन्युफैक्चर कर सकती है 10 ounce को भी, लेकिन कंडीशन क्या है? विद लॉस ऑफ एफिशिएंसी। मतलब डिजाइन तो करेगी 10 ounce, लेकिन जितनी वाई मशीन स्पेशली डिजाइन हुई है 10 ounce के लिए, तो 10 ounce की बॉटल्स एफिशिएंटली यानी मिनिमम टाइम में नंबर ऑफ बॉटल्स की तादाद ज्यादा होगी जो वाई मशीन मैन्युफैक्चर कर रही होगी। तो वाई मशीन क्योंकि स्पेशली 10 ounce के लिए डिजाइन हुई है, तो फुल एफिशिएंसी के साथ 10 ounce की बॉटल्स को वो मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन अगर एक्स मशीन वही 10 ounce बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करे तो लेकिन इतनी तादाद में वो नहीं बना सकेगी जितनी वाई मशीन है। इसी तरह वाई मशीन डिजाइन हुई है 10 ounce के लिए, वो 5 ounce बॉटल्स को भी डिजाइन कर सकती है बट विद सम लॉस ऑफ एफिशिएंसी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताइएगा। यस सर, क्लियर। आप माइंड में ये डेटा भी आपको ये चीज बता देगा। देखिए अगर एक्स मशीन सिर्फ 5 ounce के लिए होती और वाई मशीन सिर्फ 10 ounce के लिए होती तो शायद ये इतना इस मॉडल में इतनी डिफिकल्टी ना आती या इतना ऑप्टिमाइज ना होता। तो अब दोनों टाइप्स की बॉटल्स हैं तो प्रॉब्लम में कुछ यानी कुछ होगा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है कि जिससे वो एक ऑप्टिमली ऑप्टिमल वे में बताएगा कि उसको कितनी यानी एक्स मशीन को कितनी 5 ounce बॉटल्स मैन्युफैक्चर करनी है और कितनी 10 ounce। इसी तरह वाई को भी
कितनी 10 औंस बॉटल्स मैन्युफैक्चर करनी है और कितनी 5 औंस, तो इस तरह कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे, उससे फिर लीनियर प्रोग्रामिंग वे में इसको हम सॉल्व करके एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल को भी अंडरस्टैंड करते हैं, ये एक्स मशीन है, एक्स मशीन दोनों टाइप्स की बॉटल्स को जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी स्पेसिफिकेशन गिवन है, 1 मिनट के अंदर पर मिनट 80 बॉटल्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रही है एक्स मशीन 5 औंस बॉटल्स। तो 5 औंस बॉटल्स, एक्सक्यूज मी एक मिनट, हाँ 5 औंस बॉटल 1 मिनट में 80 मैन्युफैक्चर कर रही है एक्स मशीन। इसी तरह एक्स मशीन 1 मिनट के अंदर 10 औंस बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर सकती है, जो कहा गया था विद लॉस ऑफ एफिशिएंसी। वो कैसे पता चलेगा लॉस ऑफ एफिशिएंसी का, ये तो 80 क्योंकि स्पेशली एक्स 5 औंस के लिए मैंने डिजाइन हुई थी, 80 बॉटल्स पर मिनट 5 औंस और 30 बॉटल्स पर मिनट 10 औंस। तो एक्स मशीन का काम 10 औंस बॉटल्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना था, लेकिन कर सकती थी विद लॉस ऑफ एफिशिएंसी। अगर इसी 10 औंस बॉटल्स को देखें कि वाई मशीन कितना कितनी बॉटल्स पर मिनट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो देखें आपको नजर आ रहा है कि ये 50 बॉटल्स पर मिनट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये एफिशिएंट है वाई। और 30 बॉटल्स एक्स, यानी यही बॉटल्स 10 औंस साइज की, वाई की एफिशिएंसी है कि वो 1 मिनट में 50 बॉटल्स, जबकि ये लॉस ऑफ एफिशिएंसी जो हमने वर्ड यूज किया 1 मिनट के अंदर 30। तो इस कॉलम में आपको नजर आ रहा होगा कि 10 औंस बॉटल्स अगर वाई मशीन से मैन्युफैक्चर करवाएं तो 1 मिनट में 50, वही बॉटल अगर हम 10 औंस की बॉटल्स एक्स मशीन से करवाएं तो वो 30 है। तो नजर आ रहा है कि एफिशिएंट वे में वाई मशीन डिजाइन ही 10 औंस बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हुई है। इसी तरह 5 औंस बॉटल्स स्पेशली एक्स मशीन इसके लिए डिजाइन हुई है, 80 बॉटल्स पर मिनट 5 औंस मैन्युफैक्चर हो रही है। तो यही 5 औंस बॉटल्स अगर वाई मशीन से कंस्ट्रक्ट करवाएं तो वो विद लॉस ऑफ एफिशिएंसी 1 मिनट के अंदर 40, मीन ये हाफ होंगी। 5 औंस एक्स मशीन क्या कर रही है, 80 बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रही है 1 मिनट में, और वही 5 औंस बॉटल वाई मशीन 40 कर रही है। तो ये थोड़ा सा काम है क्योंकि एक्स मशीन स्पेशली इसके लिए डिजाइन हुई है, तो इसी के लिए यही एक एफिशिएंट वे होगा इसका। ये थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर कम बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। जी टेबल की समझ आई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर आवाज आ रही है। इस प्रॉब्लम की समझ आ गई टेबल की? जी सर याद रखा गया। जी यहाँ तक आई, ये देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, मशीन्स कैन बी रन 8 आवर्स पर डे फॉर 5 डेज अ वीक। यानी मशीन्स, दोनों मशीन की बात हो रही है, एक्सर मशीन, तो वो 5 डेज अ वीक चलती हैं और एक दिन में 8 आवर्स उनकी वर्किंग है। तो आप कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम वीकली मॉडल हो रहा है, तो वीकली ही डेटा हम लेंगे। तो एक वीक में 5 दिन दोनों मशीन्स चलेंगी और एक दिन में 8 आवर्स, तो जाहिर है प्रॉब्लम इधर मिनट का है, तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितने होंगे जो वर्किंग इन मशीन्स की वर्किंग होगी, वो हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएंगे 40 आवर्स, और उनको 60 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स के लिए ताकि यूनिट एक हो जाए। यही कह सकते हैं 40 आवर्स मिनट, एक वीक में 40 आवर्स चलती हैं मशीन्स, या मिनट्स में हम कहेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो 2400 मिनट्स बन जाते। एक तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। दूसरा प्रॉफिट, 5 औंस बॉटल के ऊपर प्रॉफिट है 20 पैसे। ये इंडियन एग्जांपल है, इंडियन बुक से ली गई है, तो आपको पता होगा वो एक हमारी पाकिस्तान और इंडिया की यूनिट सेम होती थी, वो है बल्कि रुपी वो कहते हैं, और रुपीज से नीचे जो यूनिट है 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी। तो 20 पैसे 5 औंस बॉटल के ऊपर प्रॉफिट है, यानी 5 औंस की 1 बॉटल के ऊपर, 5 औंस तो साइज है बॉटल का,
और 10 ounce बॉटल के ऊपर कितनी प्रॉफिट है? 30 पैसा. वीकली प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंक कैन नॉट एक्सीड 500,000 ounces. तो ये वो ड्रिंक है जो कि उनमें फिल करके मार्केट में सेल करने हैं. जैसे पेप्सी और कोक है, वो क्या करते हैं, वो एम्प्टी बॉटल्स भी मैन्युफैक्चर कर रही होती है उनके यूनिट्स, और बाद में उनमें ड्रिंक फिल करके वो मार्केट में फिल्ड हमें सेल करते हैं. हमें आप देखा है हाफ लीटर कोक और हाफ लीटर कोक 1 लीटर और 1.5 लीटर कोक मिल जाती है. तो ये इसी तरह है, ये भी जो ड्रिंक है जो उनमें फिल करना है वो 500,000 ounces इससे ज्यादा नहीं उसकी प्रोडक्शन हो सकती वीकली. सारा प्रॉब्लम वीकली ये मॉडल हो रहा है. तो ड्रिंक अवेलेबिलिटी आपके पास 500,000 ounces है जो कि उन बॉटल्स में उन्हें फिल कर, और मार्केट डिमांड भी है. मार्केट कैन अब्सॉर्ब 30,000 bottles 5 ounce साइज की, और जो डबल साइज की है उस बॉटल की डिमांड है 8,000 पर वीक. एक वीक के अंदर मार्केट जो बॉटल 5 ounce की बॉटल्स हैं उसकी डिमांड है 30,000, और जो 10 ounce बॉटल्स हैं उसकी पर वीक डिमांड है 8,000 बॉटल्स जी. और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी विश है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सब्जेक्ट टू ऑल द प्रोडक्शन इन मार्केट कंस्ट्रेंट्स. तो बताइएगा पूरे प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ में आ गई जी. अब देखें अब मैं आपसे पूछ के ही चलूंगा कि इसमें हमने डिसीजन वेरिएबल्स लेने हैं, और डिसीजन वेरिएबल्स के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, फिर कंस्ट्रेंट्स. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे देखते हैं. जाहिर है इस पहले जो दो प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं जिसमें एक रेडीमिक्स मॉडल है और दूसरा डाइट प्रॉब्लम है, उसमें एक में कॉस्ट और एक में प्रॉफिट वो टेबल के अंदर ही मौजूद थी. अब टेबल के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन इधर कहीं ना कहीं मौजूद है. तो ये देखें, ये दी हुई है प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑन 5 ounce बॉटल इज 20 पैसा एंड ऑन 10 ounce बॉटल 30 पैसा. तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन वेरिएबल के हैं, और डिसीजन वेरिएबल यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली जो स्टेटमेंट होती है यहाँ से आपको पता चल सकता है कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या हों. तो डिसीजन वेरिएबल कोई बताएगा? सर 5 ounce बोतल X1. बिल्कुल. अभी देखिए आपने जो 5 ounce ये फिल्ड बॉटल मार्केट में आपने जो सेल करनी है तो उसके ऊपर प्रॉफिट है इतना और इसके ऊपर प्रॉफिट इतना है. तो आपका ऑब्जेक्टिव है इस प्रॉफिट को मैक्सिमम करना. तो असल में आपने 5 ounce साइज की बॉटल्स मार्केट में सेल करनी है और 10 ounce साइज की बॉटल मार्केट में सेल करनी है. तो इससे जहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहाँ से आपने बनाना है डिसीजन वेरिएबल्स उधर से गैस आप कर सकते हो. तो डिसीजन वेरिएबल्स आपके यही होंगे. तो X1 अभी आपका गुड नेम क्या है जिन्होंने भी बताया? मोहम्मद शामी. तो 5 ounce X1 आपका हो जाएगा 5 ounce बॉटल, और X2 हम यूज करेंगे 10 ounce बॉटल के साथ. इसके साथ यूनिट भी बताएंगे, यूनिट क्या होगी? हमने ये भी बताना होता है ना कि ये जो चीज हमने सेल करनी है 5 ounce बॉटल को, तो हमने कह दिया इसके लिए हम X1 वेरिएबल यूज करेंगे. X1 के अंदर जो स्टोर होगी वैल्यू परसेंट 2, तो वो 2 क्या होगी? 2 ounce. सॉरी सर 2 ounce होगी. वो 5 ounce की एक बॉटल X1 में अगर 1 स्टोर करेंगे तो वो 1 बॉटल है 5 ounce. अगर 2 स्टोर करेंगे तो वो 2 बॉटल्स हैं, 5 ounce का साइज है. तो इट मींस आप कह सकते हो कि X1 में नंबर ऑफ 5 ounce बॉटल्स होंगे. यानी आप जब हमने सेल करनी है
तो अगर एक्स वन में 100 आया, मींस आपने मार्केट में 100 बॉटल, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये आया कि आपने 100 बॉटल्स सेल करनी, तो एक्स वन के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी नंबर, यानी इसकी क्वांटिटी, कि क्वांटिटी कह लें या ये कह लें कि नंबर ऑफ 5 औंस बॉटल्स हो। जी क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। और इसी तरह 10 औंस जो बॉटल होगी तो उसके लिए x2 यूज करेंगे, उसमें भी नंबर ऑफ 10 औंस बॉटल्स हो। तो डिसीजन वेरिएबल्स आपका ये देख सकते हैं आप, x1 इक्वल टू नंबर ऑफ 5 औंस बॉटल्स टू बी प्रोड्यूस्ड पर वीक, और x2 क्या होगा, नंबर ऑफ, ये सॉरी इधर गलती से लिखा गया है, ये 10 औंस। जी यहां तक पॉइंट क्लियर है, आइडेंटिफाई हो गए आपके वेरिएबल? ये मैंने आपको कहा जहां प्रॉफिट हो, जहां कॉस्ट हो, वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गाइड कर सकती है कि आपके डिसीजन वेरिएबल्स क्या हो। तो उसामा अभी मेरे ख्याल में यहां तक कंफर्टेबल होंगे कि आपने डिसीजन वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई करनी, राइट? अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करेंगे, वो भी प्रॉफिट से बन सकता है, तो बताइएगा क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे हम उसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए? आपने उसमें भी देखना ये होता है, मैंने जैसे कहा लीनियर प्रोग्रामिंग है, आप पहले यूनिट प्रॉफिट लिखोगे और फिर एक्स वन प्रोडक्ट, यूनिट प्रॉफिट मीन एक बॉटल के ऊपर कितना प्रॉफिट, और बाद में क्योंकि अगर 5 औंस की बॉटल ले रहे हैं तो हम पहले लिखेंगे एक 5 औंस बॉटल के ऊपर प्रॉफिट क्या है, वो गिवन है हमें, देख सकते हैं आप, ये देखिए प्रॉफिट ऑन 5 औंस बॉटल इज 20 पैसे, तो ये एक है, यूनिट है कि प्रॉफिट ऑन 5 औंस बॉटल के ऊपर प्रॉफिट है, और इसके लिए हमने एक्स वन यूज किया है, x1 बॉर्डर्स के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह एक 10 औंस बॉर्डर के ऊपर प्रॉफिट ये गिवन है, यानी यूनिट प्रॉफिट गिवन होता है, और आपने x1 और x2 प्रॉफिट उसके ऊपर आपने देखना होता है। जी प्रॉफिट ऑन 5 औंस बॉर्डर इज, ये पैसा उसमें, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिए, 100 से डिवाइड कर, कितने डॉलर, सॉरी उधर रुपीस है इधर डॉलर है, तो ये गलत होगा, इसको हम डॉलर की जगह पे या तो उधर रुपी हटा दें, आरएस कर दें, फॉलो किया पॉइंट को ना, यूनिट वो पुरानी डॉलर वाली चल रही थी, इसको रुपीस। जी अब मुझे ये बताएं, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, यूनिट प्रॉफिट, आपके पास एक 5 औंस बॉटल है और एक 10 औंस बॉटल है जो सेल करनी है आप, तो 5 औंस का पहले देखते हैं, प्रॉफिट ऑन 1 5 औंस बॉटल्स, वो पैसा आज में था, हमने उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, कितने रुपीस हो, और दोबारा क्या और क्या देखेंगे, यूनिट प्रॉफिट हमारे पास है, इसके लिए x1 वेरिएबल है, तो x1 बॉटल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कितनी बॉटल्स बननी, हम उसको x1, हमने कहा x1 है नंबर ऑफ 5 औंस बॉटल्स, तो हमने x1 5 औंस बॉटल पे क्या होगा, ये एक के ऊपर इतना प्रॉफिट था, x1 के ऊपर ये होगा, पर आई थिंक फेमिलियर होंगे इससे, हम प्रीवियस टू एग्जाम्पल्स में ये चीज सीख चुके हैं, ये क्यों कर रहे हैं। जी क्लियर है पॉइंट, बताइएगा? जी सर। यस सर। नेक्स्ट हमने लेना है प्रॉफिट ऑन 1 10 औंस बॉटल, वो गिवन है हमारे पास 30 पैसा, तो 0.30 रुपीज हो जाएगी, और अब किस पे देखना है, x2 के ऊपर, क्योंकि 10 औंस के लिए x2 वेरिएबल है, तो x2 के ऊपर प्रॉफिट होगा ये, तो जितने भी मार्केट में वो 5 औंस सेल करेंगे उसके ऊपर टोटल प्रॉफिट ये 5 औंस बॉटल का है, ये टोटल प्रॉफिट, यहां भी गलत लिखा है, ये x2 आएगा, जी
प्रॉफिट ऑन 1 ounce, 1 5 ounce बॉटल, दिस वन, और ये यूनिट प्रॉफिट है, ये एक्स वन बॉटल पे प्रॉफिट, ये तो टोटल प्रॉफिट होगा, यानी जितने भी 5 ounce बॉटल्स हम मार्केट में बेचेंगे वो एक्स वन होगी, तो ये टोटल प्रॉफिट 5 ounce के ऊपर, तो 10 ounce की एक बॉटल के ऊपर इतना प्रॉफिट है, और एक्स टू के ऊपर कितना होगा, इतना, तो टोटल प्रॉफिट कंपनी को क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर दें, तो आप कह सकते हो ये जो है ये प्रॉफिट अकेला 0.20 यूनिट प्रॉफिट है 5 ounce का, जबकि 0.20 एक्स वन क्या होगा, टोटल प्रॉफिट है 5 ounce का, ये अकेला 0.30 यूनिट प्रॉफिट है 10 ounce बॉटल पे, और एक्स टू टोटल बॉटल से, तो टोटल 10 ounce बॉटल्स पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये इन इस पूरी टर्म को लेंगे, और टोटल प्रॉफिट कंपनी को क्या मिलेगा, वही इन दोनों को टोटल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको जीरो ज्यूम कर लें, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होता है, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम कहेंगे जी इक्वल टू दिस वन, और इधर क्या वर्ड यूज करना है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो आपने मैक्स का गार्ड एक बिठा देना, अब आपके पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, आप देखें तो सामान्य आज का तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेवल तक डिफिकल्टी नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है मार्केट में सेल कौन सी चीज की जा रही है, ये मैं प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, कि मार्केट में सेल कौन सी की चीज जा रही है और इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट प्रॉफिट आपके पास गिवन होगा, और उसके लिए अगर एक्स वन वेरिएबल ले रहे हैं तो एक्स वन पे प्रॉफिट आपने निकाले, इसी तरह जो दूसरा डिसीजन वेरिएबल है उसको पकड़े, उसका यूनिट प्रॉफिट गिवन होगा उस प्रोडक्ट का, तो उसके लिए वेरिएबल आपने एक्स टू यूज किया, एक्स टू पे आप प्रॉफिट उसका कैलकुलेट कर ले, और दोनों को ऐड कर दें, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो था मैक्सिमाइजेशन, एक डाइट का प्रॉब्लम भी किया जिसमें मिनिमाइजेशन है, तो मिनिमाइजेशन में हमने कोई चीज परचेस करनी होती है, कॉस्ट होती है, तो हमने देखना होता है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट ले ली, इसी तरह वो फर्स्ट जो प्रोडक्ट होती है उसके लिए एक्स वन वेरिएबल लेते हैं, तो एक्स वन पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो वो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है, सेम इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट के यूनिट के ऊपर कॉस्ट, और फिर एक्स टू के ऊपर कॉस्ट, और फिर दोनों की कॉस्ट हमारे पास आ गई, दोनों को टोटल करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो मिनिमम और मैक्सिमम दो टाइप की प्रॉब्लम होते हैं, दोनों में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस मेथड से आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है, जी बताइएगा मिनिमम हो या मैक्सिमम आसानी से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जी यस जी, इस उसामा इसमें तो कोई इश्यू नहीं है सर, मिनिमम वाले में कॉस्ट को देखते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, और प्रॉफिट मैक्सिमम में प्रॉफिट को देखते हुए, हाँ देखिए प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो कोई चीज सेल करके प्रॉफिट ली जा रही है ना, तो उसमें यूनिट प्रॉफिट गिवन होगा, एक्स वन पे आपने प्रॉफिट देख लेना है पहली प्रोडक्ट के लिए, दूसरी प्रोडक्ट में यूनिट प्रॉफिट आपके पास गिवन होगा, और एक्स टू के लिए आपने देख लेना है, दोनों को ऐड कर देना जैसे इसमें किया, और कॉस्ट वाले में तो आपकी एक प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट मीन आपने कुछ चीज खरीदी और आपको इतने में पड़ी है, तो उसके ऊपर भी यूनिट कॉस्ट आपको गिवन होती है कि एक यूनिट पे इतनी प्राइस होगी, कॉस्ट एक्चुअली प्राइस होती है जो आपको पे करनी होती है, तो उसमें भी मेथड यही चल रहे हैं जो इसमें प्रॉफिट पे है, तो उसमें हमने कॉस्ट देखनी है यूनिट के ऊपर, उसमें कॉर्न थी उस एग्जांपल में, तो हमने यूनिट कॉर्न यानी 1 pound यूनिट उसमें पाउंड थी आई थी, तो 1 pound ऑफ कॉर्न हमें गिवन थी, एक्स 1 pound कॉर्न पे हमने चेक कर दी, तो मेथड तो यही है, डिफरेंट तो नहीं, और इसी तरह सोयाबीन की यूनिट कॉस्ट थी, फिर एक्स टू पे कॉस्ट थी, और दोनों को टोटल कर दिया, तो कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा, नो सर मैं बस वैसे क्लियर किया था कि उसके लिए ये करना थी, यानी आपका मेथड यही है, यूनिट आपके पास यूनिट प्रॉफिट गिवन है, एक्स वन पे आपने डिसीजन वेरिएबल तो आपको पता चल गया ना, और उससे ये भी पता चल गया किस पे किस प्रोडक्ट के ऊपर आपका ये प्रॉफिट है, तो यूनिट प्रॉफिट गिवन होगा, एक्स वन पे निकाल लिया, यूनिट प्रॉफिट दूसरी प्रोडक्ट का भी गिवन होगा, आपने एक्स टू पे निकाल लिया, तो ये
दोनों को ऐड करके टोटल आपका प्रॉफिट आ गया। सेम आप कॉस्ट में भी ऐसी कर। चलें आगे। जी सर। नेक्स्ट मैं कंस्ट्रेंट्स पे जाने से पहले, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी लेवल है, तो सबसे पहले हम वापस चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये अब देखते हैं कि डेटा हमें कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स बता रहा है। जरा गौर कीजिएगा, मैं कंस्ट्रेंट्स गेस करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। एम्बिगुइटी तो है, क्या होंगे जरा उस एंगल से सोचते हैं। एक हमारे पास ये गिवन है, ये लाइन जरा पढ़े, मशीन्स कैन बी रन ऑन 8 hours पर डे फॉर 5 days a week। ये टाइम है, ये कौन सा टाइम है जो मशीन्स वर्क कर रही हैं। अब मशीन्स अगर वर्क कर रही हैं इतना टाइम पे, तो मशीन बना क्या चीज रही है बताइए सर। 5 hours, 10 hours, 5 hours। तो हमने देखना है हमारे पास इतना टाइम इसके लिए है, और ये बन जाएगा राइट हैंड साइड कि मशीन इतना चल रही है और मशीन बना क्या रही है, और जो बना रही है उसके लिए कितना टाइम लेती है। देखिए यहाँ टाइम है कि इतना टाइम मशीन्स रन हो रही है, लेकिन जो चीज बन रही है वो कितना टाइम लेगी, वो इसके अंदर अंदर ही होना चाहिए। समझ रही? यस सर। तो आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट बन रही है कि टोटल टाइम जो अवेलेबल है आपकी फैक्ट्री में कंपनी को, वो 8 hours per day, 5 days a week इतना टाइम वो मशीन चलती है। ये राइट हैंड साइड बन जाएगी कांस्टेंट टर्म में कंस्ट्रेंट की, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी कि वो जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो कितना टाइम ले रही हैं, वो जो टोटल टाइम होगा उनका 5 ounce बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करने का और 10 आउंस को मैन्युफैक्चर करने का, वो टोटल टाइम लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम के अंदर एक टाइम कंस्ट्रेंट हमने आइडेंटिफाई कर ली। इसको मैं टाइम कंस्ट्रेंट कह देता हूँ ताकि पता चल जाएगा टाइम से रिलेटेड। दो मशीन हैं तो कितनी कंस्ट्रेंट्स इधर से निकलेंगी टाइम कंस्ट्रेंट्स। एक्स मशीन भी इतना चल रही है और वाई मशीन भी चल रही है, तो दो टाइम कंस्ट्रेंट निकलेंगी। एक एक्स मशीन के लिए, क्योंकि हम कहेंगे इतना एक्स मशीन चल रही है, और लेफ्ट साइड पे क्या लेके आएंगे, एक्स मशीन जो भी दो टाइप्स की बॉर्डर्स बना रही है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। ये चीज एक एक्स के लिए होगी ये कंडीशन, वाई के लिए भी सेम उतने ही टाइम के लिए वो उसकी वर्किंग है, और वाई मशीन दोनों बॉर्डर्स को बना रही है, तो हमने लेफ्ट साइड पे क्या रखना है कि वो कितना टाइम लेगी दोनों बॉर्डर्स को कंस्ट्रक्ट करने में, यानी जो कंज्यूम हो रहा है टाइम। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स आपको इसके अंदर नजर आ रही है, टाइम कंस्ट्रेंट। फिर बता देता हूँ, ये टाइम है उन मशीन की वर्किंग का, और मशीन बना क्या रही है, टू टाइप्स ऑफ बॉटल्स, 5 ounce और 10 ounce। उन बॉटल्स में लेफ्ट साइड पे देखना है कि इतनी देर तक वो जो मशीन चलेंगी तो वो कितनी 5 ounce, जो जितनी भी 5 ounce और 10 ounce बॉटल्स बनाएंगी उसके लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज होगा, कंज्यूम होगा, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्किंग इतनी। जी बात हम डिटेल में भी करेंगे, अभी जब जस्ट गेस कर रहे हैं कैसे कंस्ट्रेंट निकल सकती है। बताइएगा, कंस्ट्रेंट कंडीशन ही है ना, तो कंडीशन होनी चाहिए कि जितना टाइम दोनों बॉटल्स लेंगी, यानी एक्स मशीन जितना टाइम लेगी दोनों बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो के जितना टोटल टाइम वो वर्क कर रही हैं उससे कम हो या उसके इक्वल हो। बताइएगा ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब एक्स मशीन के लिए अलग, लेकिन वर्किंग टाइम दोनों का सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट होगी। तो वाई मशीन, दो कंस्ट्रेंट्स तो टाइम इधर से निकलेंगे, ये बात क्लियर होगी। दूसरी आते हैं, ये तो प्रॉफिट है, ऑब्जेक्टिव हम बना चुके हैं। Weekly production of drink cannot exceed 500,000 ounces. तो ये drink से related है। एक constraint drink की capacity है। इतना वो drink produce हो रहा है। ये drink जो produce होगा, ये किसी ना किसी में तो fill करना है। तो किस में fill करना है ये drink? बताइए। तो bottle।
5 औंस और 10 औंस बॉर्डर्स में फिल करना हो, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो ये आ जाएगी ड्रिंक की अवेलेबिलिटी, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये ड्रिंक जो 500,000 ounces है ड्रमों में पड़ा हुआ है हमारे पास, ये आपने 5 औंस और 10 औंस में जब फिल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पता चल जाएगा कि कितना टोटल ये जो अवेलेबिलिटी है इतने ड्रिंक की, ये लेफ्ट साइड पे 5 औंस और 10 औंस में देखना है कि टोटल कितना ड्रिंक फिल होता है, और वो जो फिल होता है ड्रिंक, वो फिल जो होने वाला है जो अवेलेबल आपके पास क्वांटिटी है ड्रिंक की उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना अवेलेबल है वही फिल होना चाहिए। जी पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं ड्रिंक। अच्छा, इसका मतलब है दो कंस्ट्रेंट्स टाइम की इधर निकल आए, एक कंस्ट्रेंट ड्रिंक से रिलेटेड है जो अवेलेबल ड्रिंक है वही फिल होना चाहिए, और मार्केट कंस्ट्रेंट क्या है, मार्केट कह रही है कि 30,000 5 औंस बॉटल एब्जॉर्ब होती है उसकी डिमांड है और 8,000 उसकी डिमांड है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ भी मार्केट जो कंस्ट्रेंट होगी वो भी दो कंस्ट्रेंट्स निकलेंगी, एक तो X1 के बारे में हमने कहना है 5 औंस जो X1 है ये इतनी एब्जॉर्ब होती है, और दूसरी कंडीशन हमने लगानी है कि ये जो X2 है ये इतनी एब्जॉर्ब होती है। तो यही डेटा आपको बता रहा है टोटल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। जहां तक ये है, ये तो ये बता रहा है कि ये मशीन्स कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रही है, ये 1 मिनट के अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, जाहिर है इस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर जो डेटा यूज होगा ये वो है। आई थिंक और कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो हमें अगर फर्स्ट अपीयरेंस में देखें ये टाइम कंस्ट्रेंट है और दो कंस्ट्रेंट्स होंगी, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, ये राइट हैंड साइड है और यहाँ से ये जो डेटा है ये लेफ्ट हैंड साइड टाइम से रिलेटेड है ना, कि एक्स 5 औंस बॉटल 1 मिनट में इतनी बॉटल्स बना रही है, 1 मिनट में इतनी सारी, ये जो उनका टाइम लग रहा है या नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस हो रही है 1 मिनट के अंदर, वो डेटा है। तो ये जो दो कंस्ट्रेंट्स टाइम की इधर आएंगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए ये डेटा हेल्प करेगा हमारे, राइट हैंड साइड ये बन जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी। ये तो होगी कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट। आप देखिएगा, अब मैं आपको लेके जाता हूँ प्रॉब्लम, ये हम देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब कंस्ट्रेंट से टाइम कंस्ट्रेंट ऑन एक्स मशीन, टाइम कंस्ट्रेंट ऑन वाई मशीन, दो ये आ गए। नेक्स्ट आपने देखा ड्रिंक कैपेसिटी की एक कंस्ट्रेंट है, और वो क्या है, उसको ड्रिंक कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट कह देते हैं, एक ड्रिंक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। अभी मैं देखना चाह रहा था कंस्ट्रेंट कितनी टाइप्स की आ रही है। थर्ड, इसके बाद क्या होगा, मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड आपकी एक मार्केट डिमांड 1 जो 5 औंस के लिए है और एक मार्केट डिमांड 2 है जो 10 औंस के लिए है। तो ये टोटल आपकी कंस्ट्रेंट्स बन रही है जो स्टेटमेंट को देखने के बाद, और मुझे कोई चीज नजर नहीं है, अगर और चीज भी होती तो एक आध कंस्ट्रेंट और बन जाती। जी बताइए, अब थोड़े से कंफर्टेबल हैं कि कंस्ट्रेंट्स कैसे निकालें? हाँ, डिफिकल्ट जरूर है लेकिन मेथड यही है कि कंडीशन को आपने अंडरस्टैंड करना। जी क्लियर हो गया, बनाए आप कंस्ट्रेंट्स? यस सर। जी तो अब आप देखें, मॉडल बनाने के लिए टाइम कंस्ट्रेंट एक्स, और आपको पता है X1 वेरिएबल आपका 5 औंस के लिए है और X2 आपका 10 औंस के लिए, तो यूनिट ये टाइम कंस्ट्रेंट है, तो यूनिट कंस्ट्रेंट बनानी है। तो यूनिट मीन यहाँ पे डेटा हमारे पास अवेलेबल है एक्स मशीन के लिए है, इसका मतलब है आपने सिर्फ ये फर्स्ट रो से एक कंस्ट्रेंट निकालनी है, और वाई मशीन अलग से कंस्ट्रेंट 2 होगी, वो फिर हम इस डेटा को देखेंगे। अभी हमने इस डेटा को देखना वली, चलिए अभी देख लेते हैं वली सेकेंड सेक्शन में, मैं उसकी बात करने लगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो डेटा लेना है तो आपका डिसीजन वेरिएबल्स, मैंने कहा था यहाँ भी यूनिट मेथड ही चलेगा, और यहाँ क्योंकि टाइम से रिलेटेड है तो हमने यूनिट टाइम देखना है। हमारे पास अगर इसको देखें, 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स बन रही हैं, 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स, जबकि हमने यूनिट किसका लेना है कि यूनिट बॉटल के कितना टाइम
हमने बॉडीज को एक मशीन एक्स मशीन जो है उसकी वर्किंग है यानी वो यूनिट ये बनेगी कि एक बॉटल के लिए कितना टाइम लगता है, ये आपकी यूनिट बनेगी, क्योंकि आपने देखना है कि 5 ounce बॉटल्स में कितना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा। फिर हम देखेंगे एक बॉटल 10 ounce की एक बॉटल के ऊपर कितना टाइम लगता है, और फिर देखेंगे एक्स टू बॉटल्स के ऊपर कितना टाइम लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम जो 5 ounce और 10 ounce के ऊपर लगेगा। ये जो टोटल टाइम 5 ounce और 10 ounces पे कंज्यूम होगा, ये टाइम मशीन की वर्किंग टाइम से लेस होगा या इक्वल होगा, बताइएगा। ये टाइम इसी तरह बनेगा ना, टाइम से तो लेस ही होगा, ग्रेटर तो नहीं होगा। लेकिन इधर डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स, जबकि हमें चाहिए कि एक बॉटल कितना टाइम लेगी, क्यों, हमारी टाइम कंस्ट्रेंट है। तो ये 1 मिनट के ऊपर जो आंसर है वो है नंबर ऑफ बॉटल्स, जबकि हमें चाहिए यूनिट बॉटल के ऊपर टाइम। तो आपका प्रॉब्लम शुरू होगा 1 5 ounce बॉटल टेक्स टाइम इन मिनट्स, कैसे निकालेंगे, ये तो 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स हैं, हमने निकालने कि एक बॉटल कितना टाइम लेगी। देखते हैं, आपके पास 5 ounce का है, एक्स मशीन 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स प्रोड्यूस कर रही है, 80 बॉटल्स कितना टाइम लेती है, 1 मिनट, ये गिवन है, 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स कितना टाइम ले रही है, 1 मिनट, आपने कितना लेना है, एक बॉटल के ऊपर टाइम लेना है, तो 1 बॉटल के ऊपर कितना टाइम होगा, तो इसको डिवाइड कर दें 1/80 मिनट्स, तो आपके पास ये डेटा है। जी बताइएगा, कुछ आइडिया हुआ? जी सर, मैंने शुरू में बता दिया था हमारी जो टाइम कंस्ट्रेंट है, हमने ये देखना है कि वो जो 5 ounce और 10 ounce की बॉटल्स हैं वो कितना टाइम ले रही है मैन्युफैक्चरिंग, तो इसलिए हमारा इशू है कि वो कितना टाइम ले रही है। तो हमने पहले ले लिया 1 5, क्योंकि यूनिट वो बॉटल के ऊपर तो आपको टाइम गिवन है ना, वो 1 मिनट के अंदर 80 है, लेकिन हम इधर से जो गिवन है एक बॉटल के ऊपर टाइम ले सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ये गिवन है डेटा। तो हमने एक 5 ounce बॉटल पे टाइम जो गिवन था वो था 80 बॉटल्स पर मिनट, एक बॉटल पे कितना होगा 1/80, तो हमने निकाल लिया 1/80, तो कितनी बॉटल्स पे हमने निकालने, इधर क्या होगा, एक बॉटल पे फाइव आउंस जो बॉटल्स तो ये कितना टाइम लेंगी, 180 मल्टीप्लाइड बाय x1, ये बिल्कुल क्लियर है, ये जो चीज इधर यूनिट निकल रही होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत सिंपल है। तो ये टोटल टाइम है जो 5 ounce बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, टोटल टाइम। तो हमने दूसरा टाइम किस पे निकालना है, 10 ounce पे, तो उसके लिए भी यूनिट के लिए लेंगे 1 10 ounce बॉटल टेक्स टाइम इन मिनट्स कितना है, एक्स के लिए लिखी जा रही है 30 बॉटल्स पर मिनट, लेकिन हमने एक बॉटल के ऊपर लेना है। उसी तरह एक्स मशीन 1 मिनट में 30 बॉटल्स बना रही है, यानी 30 बॉटल्स कितना टाइम ले रही है, 1 मिनट, एक बॉटल कितना टाइम लेगी, 1/30, माइंड में रखिएगा हमें एक बॉटल का टाइम चाहिए था, तो इसलिए यहां से हमें मिला यहां से कि 30 बॉटल्स 1 मिनट में मैन्युफैक्चर हो रही है, एक बॉटल क्या होगी 1/30, यही हम देखना चाह रहे थे, एक बॉटल 10 ounce की कितना टाइम लेगी वो हमने देख लिया 1/30, एक्स टू बॉटल्स कितना टाइम लेंगी, एक्स टू बॉटल्स वो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वो टाइम है जो 10 ounce बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, ये टाइम है जो 5 ounce बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। तो टोटल दो ही प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगेगा, दोनों को ऐड कर लें, तो ये वो टाइम है जो दोनों बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, और ये टाइम किससे लेस या इक्वल होना चाहिए,
ये गिवन है, प्रॉब्लम में बताएगा कोई? सर 24 टोटल रनिंग टाइम है सर जो पर वीक का। यस, ये देखें टोटल रनिंग टाइम एक्स मशीन का हमने पर वीक देखना है। एक्स मशीन कैन बी रन फॉर 8 आवर्स पर डे एंड 5 डेज अ वीक। तो क्योंकि प्रॉब्लम मिनट्स में चल रहा है, ये सारी चीजें मिनट्स में है कि 5 आवर्स टोटल, 5 आवर्स बॉटल्स कितने मिनट्स ले रही है, इतने मिनट्स, 10 आवर्स बॉटल जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है कितने टाइम ले रही है, इतने मिनट्स, दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल मिनट्स ले रही है दोनों बॉटल्स। तो इसके लिए मशीन को भी हम मिनट्स में लेके आएंगे। जी तो ये बनेगा 8 को मल्टीप्लाई करने 5 से 40 आवर्स और 60 से मल्टीप्लाई 24 मिनट्स। एक्स मशीन इतना रन हो रही है, आपकी 24 मिनट्स अवेलेबल हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और दोनों बॉडीज कितना टाइम ले सकती हैं, इतना, और ये टाइम इससे लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, बताइएगा। ये टाइम कंस्ट्रेंट क्लियर हुई? यस सर। अब एक्स सर काइंडली पिक करते हैं इसको। देखें हमारे पास माइंड में रखें, जब ये डेटा आया था ना इससे हमने कंस्ट्रेंट गैस की थी कि 8 आवर्स पर डे और 5 डेज अ वीक। तो ये दोनों मशीन चल रन कर रही थी इतने टाइम के लिए, वो हमने मिनट्स में ले लिया कि इतने मिनट्स में ये मशीन रन करेगी वीकली, वीकली इतने मिनट्स रन करेगी, इतने, यही डेटा हमारे पास सिर्फ मौजूद है। दूसरा डेटा हमारे पास ये टेबल में था, तो हमने इससे कंस्ट्रेंट कैसे बनानी है कि ये एक्स मशीन के लिए अलग कंस्ट्रेंट बनानी है और वाई, ये हम पहले देख चुके हैं। अब हम एक्स मशीन का लेना है, एक्स मशीन कितने मिनट्स चलेगी, ये वीक में इतने मिनट्स चलेगी, लेकिन उस टाइम के अंदर वो जो बॉटल्स बना रही हैं 5 आउंस और 10 आउंस, वो कितना टाइम लेंगी, टाइम को टाइम के साथ मैच करना है ना। तो ये 2400 अगर इधर है, ये है मिनट्स वर्किंग टाइम एक्स मशीन का कि इतने टाइम पे वो चलेगी। तो इस साइड पे आपके पास वो मिनट्स में ही यूनिट होनी चाहिए, इतने मिनट्स चलेगी और कितने मिनट्स में वो दोनों टाइप्स की बॉटल्स मैन्युफैक्चर होंगी। ये सेंस बन रही है, बताइएगा टाइम को टाइम के साथ। अच्छा अब हमने क्या किया, हमने, हमारे पास एक ही मेथड है यूनिट टाइम और फिर एक्स वन टाइम। तो हमने यहाँ देखा 5 आउंस को पहले देखते हैं, 1 5 आउंस बॉटल कितना टाइम लेगी, इधर था 1 मिनट में 80 मिनट्स, हमने 1 बॉटल का टाइम निकाल लिया 1/80, 1 बॉटल कितना टाइम लेगी, इतना, एक्स वन इतना लेगी। तो ये बन गया हमारे पास टोटल टाइम 5 आउंस बॉटल के लिए। इसी तरह 1 10 आउंस बॉटल, वो हमारे पास 30 था, 30 बॉटल्स पर, तो एक्स टू बॉटल्स 1/30 एक्स टू, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आप कह सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूम होगा, इतना टाइम होगा जो 10 आउंस में कंज्यूम होगा, टोटल कितना है, इतना टाइम। तो ये भी टाइम है, तो ये देख लें यूनिट टाइम एक्स वन कितना टाइम लेती है, तो ये टाइम है, तो दोनों को ऐड करें तो टोटल टाइम बनेगा जो 5 आउंस और 10 आउंस बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा। तो ये दोनों बॉटल्स जो बना रही है एक्स मशीन, तो वो टाइम जितना अवेलेबल टाइम है उसी के अंदर बनाना है ना, ये तो नहीं कि वीकेंड पे भी वो मशीन चलेगी, तो ये टाइम उसके अंदर अंदर ही होना चाहिए। जी पॉइंट क्लियर हुआ जिन्होंने क्वेश्चन किया था? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा अब आपने वाई के लिए भी सेम इसी तरह करना है, तो मैं अगर यहां लिखूं टाइम कंस्ट्रेंट ऑन मशीन एक्स वाई, क्या होगा, 1 5 आउंस बॉटल टेक्स टाइम, ये वाई के साथ 1/40 एक्स वन के ऊपर, ये आ जाएगा। इसी तरह 1 10 आउंस बॉटल कितना टाइम लेंगी, ये वाई मशीन के लिए 1/50 और एक्स टू के लिए ये, तो इनका टोटल कर लें। और ये राइट हैंड साइड तो उसी तरह है जैसे जितना एक्स मशीन रन कर रही है उतना ही वाई मशीन, ये 24 ही होगा। तो जरा देखते हैं, देखिए y के लिए देखने लगे हैं, फिर उसी तरह 5 आउंस एक बॉटल, 1
वॉन्स बॉटल कितना टाइम लेगी? आपने इधर देखा 40 बॉटल्स पर मिनट, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, इस तरह से रिवाइज हो जाएगा, 40 बॉटल्स 1 मिनट, आपको एक बॉटल के ऊपर टाइम चाहिए था 1/40। एक्स वन कितने होंगे? 1/40 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन। इसी तरह 10 आउंस के लिए, 1 10 आउंस बॉटल टेक्स टाइम, कितना टाइम होगा बताइएगा? 1/50 सर। वाई मशीन है तो ये 10, ये 1/1, तो हम इधर देख सकते हैं 50 बॉटल्स एक मिनट में बन रही हैं, एक बॉटल कितने में? 1/50 सर। एक्स टू कितना होगा? मल्टीप्लाई करते हैं टोटल टाइम, हाँ टोटल कितना होगा? इसको और इसको ऐड कर दें, तो ये आपका है टोटल टाइम जो वाई मशीन ले रही है उन दोनों प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और अवेलेबल टाइम कितना है पर वीक? वही 24 मिनट्स पर वीक। तो ये टोटल टाइम है, और वाई मशीन इन दोनों मॉडल्स के लिए जितना टाइम लेगी वो टाइम इसके अंदर अंदर ही होना चाहिए। यस सर, लेस देन। तो आई थिंक दो दफा ये बात रिपीट हुई है और अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। यस सर। सिर्फ एक चीज थी कि माइंड में रखने, पहले आपने जब बनाया गेस किया कि ये टाइम अवेलेबल है और हमने बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए टाइम ही निकालना है, तो इधर डेटा पर मिनट है 80 बॉटल्स, तो आपने एक बॉटल के ऊपर वो टाइम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। जी नेक्स्ट चलते हैं, ड्रिंक कैपेसिटी। ये बड़ा सिंपल है, बल्कि इसमें भी थोड़ा सा सोचने का एलिमेंट है। वीकली प्रोडक्शन ड्रिंक की कितनी है? वो 500,000 से ज्यादा नहीं है। अब मुझे ये बताएं, ये फिल करना है बॉटल्स में, एक बॉटल के अंदर कितना लिक्विड आएगा? अगर मैं 5 आउंस की बॉटल लेता हूं और मैं कहता हूं इस एक बॉटल के अंदर, देखें इतना ये अवेलेबल है और आपने नंबर ऑफ 5 आउंस और नंबर ऑफ 10 आउंसेस बॉटल्स होंगी जिसमें ये फिल करना है, तो मुझे बताएं एक बॉटल के अंदर 5 आउंस की अगर लें कितना लिक्विड फिल होगा? 5 आउंस। कॉमन सेंस कहती है उसका साइज ही 5 आउंस है, तो हम यहाँ पे यूनिट जो हमारी बनेगी वो होगी 1 5 आउंस एम्प्टी, ये एम्प्टी बॉटल है, 1 5 आउंस मे कंटेन ड्रिंक इन आउंसेस 5, जाहिर है 5 आउंस बॉटल है उसमें ड्रिंक फिल करेंगे तो 5 ही होगा। yes. तो ये आप डेटा गिवन नहीं है उस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, ये आपने खुद गेस करना है। तो आपने एक्स वन बॉटल्स के अंदर कितना ड्रिंक फिल होगा? 5x1। ये वो टोटल आउंसेस है जो किस में फिल हो रहे हैं? 5 आउंस बॉटल के अंदर। यस सर। इसी तरह आपने 1 10 आउंस बॉटल में कितना ड्रिंक आएगा? 10 आउंस। तो x2 टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स हैं उसके अंदर कितना ड्रिंक आएगा? 10x2। आप कह सकते हो ये जो टोटल ड्रिंक है 5x1 आउंसेस, ये 5 आउंस साइज बॉटल में है, 10x2 आउंसेस ये टोटल ड्रिंक है जो 10 आउंस बॉटल्स में है, और दोनों बॉटल्स का टोटल ड्रिंक कितना होगा जो दोनों में आप लेके आएंगे? सॉरी, ये तो है अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है, टोटल कितना है जो ड्रिंक फिल हो सकता है, इतना फिल होगा, इतना अवेलेबल है, तो जितना फिल होगा इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। यस सर, लेस होगा, तो लेस देन इक्वल टू। ये आप देख लें, ये वो ड्रिंक है जो दोनों बॉटल्स में फिल हुआ है। आप देख सकते हैं एक बॉटल जो 5 आउंस की है उसमें कितना ड्रिंक होगा? 5, और x1 में 5x1, ये 10, एक 10 आउंस की बॉटल में जो फिल्ड नंबर ऑफ आउंसेस है 10, x2 में कितना होगा? इतना, तो दोनों को ऐड कर दें, ये टोटल ड्रिंक होगा जो उन दोनों बॉटल्स में फिल होगा, और ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 500,000 आउंसेस। तो आप को मेरे ख्याल में ये कैपेसिटी, ड्रिंक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी पता चल गई हो। क्लियर पॉइंट? यस सर।
आवाज आ रही है? यस सर। अब फोर्थ कंस्ट्रेंट पे जाने, मार्केट डिमांड। एक दोनों मार्केट डिमांड अलग अलग हैं। आपको याद होगा 5 ounces की डिमांड थी 30,000 आई थिंक बॉटल। यस सर। तो आप कह सकते हो मार्केट कैन एब्जॉर्ब 30,000 बॉटल्स। तो ये कंस्ट्रेंट अलग अलग लगाएंगे, एक्स वन पे अलग लिमिट लगा दें और एक्स टू पे, कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है कि 30,000 फाइव आउंस कंज्यूम हो रही है और 8,000 10 आउंस बॉटल्स कंज्यूम हो रही है। तो इंडिपेंडेंट है, अलग अलग बनेगी। एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 मीन्स एक्स वन का जो नंबर है, एक्स वन क्या था, नंबर ऑफ 5 ounce बॉटल्स। तो ये मार्केट कम अज कम यानी एब्जॉर्ब का वर्ड है 30,000 तो मार्केट डिमांड है पर वीक के इतनी वो सेल होती है। तो 30 उनकी डिमांड है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इधर मैं देखिए थ्री टाइप्स हैं आपकी कंस्ट्रेंट की, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। तीनों को चेक करते हैं। मार्केट 30,000 बॉटल्स कंज्यूम करती है 5 ounce साइज, तो इतनी तो वो कंज्यूम करती है। अगर हम इधर लेस देन ले लें तो बताएं लेस देन के केस में मार्केट इतनी उसकी डिमांड है तो ये हो जाएगा इतनी लेस देन जब करेंगे तो इतनी या इससे कम भी हो सकती है। ये ऐसी होगा जैसे मार्केट में डिमांड ज्यादा है और आपने कंस्ट्रेंट ऐसी सेट की है जो 30,000 या उससे लेस हो, तो ये रीजनेबल नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? आप अगर कंस्ट्रेंट सेट करते हो लेस देन इक्वल टू, उसका मतलब ये है कि ये मार्केट 30,000 हो सकती है डिमांड या उससे लेस भी हो सकती है। यहां स्टेटमेंट है कि वो 30,000 एब्जॉर्ब करती है, यानी इतनी तो जरूरी है, लेस की कंडीशन नहीं है, इतनी चाहिए ही चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ग्रेटर देन का ये मतलब होगा कि इतनी हो या इससे ज्यादा हो। यहां कहीं ऐसी स्टेटमेंट में नहीं लिखा कि वो मार्केट में मैक्सिमम डिमांड उसकी इतनी है, वहां लिखा है कि वो 30,000 पर वीक तो उनकी डिमांड है ही, यानी कभी नहीं हुआ कि 30,000 से कम हो, 30,000 एब्जॉर्ब होती है। तो आप लेस देन तो नहीं लिख सकते। जी, ये लेस देन का पॉइंट क्लियर हुआ? पहले ये बताएं। जी सर। तो लेस देन नहीं हो सकती। अब देखते हैं दूसरी ट्राई का इक्वल, देख सकते हैं इक्वल हो सकता है या नहीं। अगर मैं इधर इक्वल लगा दूं, जैसे कि नजर आ रहा है कि इतनी अब्जॉर्ब, ये तो आइडियल केस बन जाएगा कि आप कहते हैं जी मार्केट डिमांड आई थी कि हर, ये उन्होंने एवरेज निकाली होती है और एवरेज से देखा होता है, यानी एक सर्वे किया होता है जिसमें ये उनको पता चला होता है कि 30,000 वो कंज्यूम कर रही है। अब 30,000 तो कंजम्पशन को अगर मैं इधर इक्वल के साथ फिक्स कर दूं तो उसका मतलब है 30,000 तो लाजमी पर वीक में कंज्यूम होती है, कभी ज्यादा भी हो सकती, कम नहीं हो सकती, सर्वे ने ये बताया हुआ है। तो ज्यादा जब होंगी तो ये कंस्ट्रेंट की वायलेशन हो जाएगी, तो उसको कवर करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू ही एक बेस्ट चॉइस है। बताइएगा इस पॉइंट की समझ आई? इक्वल तो आइडियल केस बनता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। जी बताइए इस पॉइंट की समझ आई? यस सर। किसी तरह रिपीट में ये कह रहा हूँ, यहाँ स्टेटमेंट है मार्केट कैन एब्जॉर्ब 30,000 बॉटल्स पर वीक, इसको अलग लेते हैं। तो 5 आउंस के लिए एक्स वन वेरिएबल है, तो हमने देखना है कि 30,000 तो जरूर मार्केट को चाहिए, ये मतलब है इसका, 30,000 से लेस नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का वर्ड यूज करोगे कि ये जो एक्स वन है 30,000 एट, देखिए ये मतलब बनता है एटलीस्ट 30,000, तो एटलीस्ट में आप देख रहे होते हैं ग्रेटर देन होता है कि कम अज कम 30,000, ज्यादा भी हो सकता है, इस एंगल से देखिए। अब क्लियर हो गया पॉइंट? इसी तरह आपने 10 आउंस के लिए लेना है, उसके लिए अलग स्टेटमेंट होगी, वो क्योंकि 8,000 है तो आप एटलीस्ट 1,000 की ये कंस्ट्रेंट लगा दें, ये दूसरी डिमांड है 10 आउंस के लिए। पर सर ये लाइन पढ़ने से तो लग रहा है कि जो है ना मार्केट कैपेसिटी इतनी है कि जो है ना 30,000 मैक्सिमम अब्सॉर्ब कर सकते हैं। हाँ, तो यानी यही है ना कि इतनी अब्सॉर्ब होती है उसमें, तो कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सर्वे ने ये बताया हुआ है कि इतनी वो कंज्यूम होती है, तो आप लेस तो नहीं ले सकते ना, जरा ये देखिए। ओके सर। जी,
तो ये सारी कंस्ट्रेंट 4 और 5 दोनों मार्केट डिमांड अलग अलग लिख दी, तो ये एक डिमांड 1 है, ये डिमांड 2। तो हमारा पूरा मॉडल एक और इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट 4 स्टेप भी है, वो मैं मिस करने लगा था। इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट क्या कहेगी, ये तो आपको बताना चाहिए। x1 x2 greater than 0। यस, कि वो दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव, ये लीनियर प्रोग्रामिंग की एक कंडीशन है, ये मीट करनी चाहिए। अब आप मॉडल आपका क्या बन जाएगा ये देखिएगा। टाइम कंस्ट्रेंट आपने एक्स मशीन के लिए और वाई मशीन की टाइम कंस्ट्रेंट 2, ड्रिंक कैपेसिटी 3, और 5 आवर्स मॉडल पे जो डिमांड 1 और डिमांड 2, और ये इम्प्लिसिट।